हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 मई के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं क्या क्या है आज करंट अफेयर्स में। इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ डे 2019, तो अभी इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ डे मनाया गया है 2019 का, 24 मई 2019 को, ठीक है। तो इस बार इसकी जो थीम थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी इसकी? एक कनेक्टेड कॉमनवेल्थ। तो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अभी जो रिसेंटली 2019 में कॉमनवेल्थ डे मनाया गया, इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ डे, उसकी थीम क्या थी। तो आपको बताना है एक कनेक्टेड कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कहाँ की आती हैं? अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, कैरेबियन एंड अमेरिकन कंट्रीज, पैसिफिक एंड यूरोप, इन सभी कॉन्टिनेंट्स के लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। हालांकि पैसिफिक कॉन्टिनेंट नहीं, पर इसके आसपास कुछ कंट्री हैं वो भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। दूसरी चीज़, 2019 की थीम है एक कनेक्टेड कॉमनवेल्थ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की असेंबली में कितनी सीटें। तो आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर हैं 175 सीट्स, जिसमें से 175 में से 151 सीट आई हैं YSRCP, ठीक है, YSRCP की, और एक है तेलुगु देशम पार्टी, उसके आई है 23। तो इस बार अब गवर्नमेंट बनने वाली है किसकी? YSRCP। तो एक दो दिन में, जैसे ही अभी चार स्टेट में इलेक्शन हुए सबके, मतलब क्या कहते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट बन जाएगी, तो मैं उनके बारे में भी एक ही बार में सबको बता दूंगा। तो फिलहाल तो इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे GK का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स हैं, 175। और करंट में यहाँ पे जो CM है वो हैं चंद्रबाबू नायडू, हैं चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब CM कौन बनने वाले हैं? ये CM बनने वाले हैं YS जगमोहन रेड्डी, और ये हैं YSRCP पार्टी से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो YSRCP पार्टी, जिसकी सीट कितनी आई है, 151 सीट आई हैं, ठीक है। तो इनको सरकार बनाने के लिए सीट चाहिए 88, तो 88 तो 88 से तो ज़्यादा है। तो ये जो पार्टी है YSRCP, ये मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट बनाने वाली है, और YS जगमोहन रेड्डी अब CM बनने वाले हैं नए आंध्र प्रदेश के, ठीक है। ओके, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इसके बारे में एक बार बेसिक देख लेते हैं। मैंने अभी बताया था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की थीम क्या है, कनेक्टेड कॉमनवेल्थ। तो अब यहाँ पे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में बात करें, तो पहले इसको बोलते थे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में लंदन डिक्लेरेशन के द्वारा, ठीक है। लंदन डिक्लेरेशन के द्वारा 1949 में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया था। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारी गवर्नमेंट के बीच का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, और प्रेजेंट में इसमें मेंबर हैं 53 मेंबर्स, ठीक है। अब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में जो 53 मेंबर हैं, जनरली कैसे हैं, ज़्यादातर कैसे हैं, वो मेंबर है जहाँ पर अंग्रेज़ों की पहले कॉलोनी हुआ करती थी, मतलब अंग्रेज़ जहाँ जहाँ पर पहले रूल करते थे, वो मतलब वो सारे देश ज़्यादातर किसके मेंबर है? कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, ठीक है। तो 53 स्टेट्स हैं दैट वर मोस्टली टेरिटरीज ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश एम्पायर की क्या हुआ करती थी, टेरिटरी हुआ करती थी या कॉलोनी हुआ करती थी, जैसे इंडिया भी कॉलोनी था, ठीक है। तो इंडिया भी इसका मेंबर है कॉमनवेल्थ का, सेम वे। अच्छा, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर है वो है लंदन में, और दो कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर जो अंग्रेज़ों की कॉलोनी नहीं रहे पहले, मतलब अंग्रेज़ों का यहाँ पे रूल नहीं था, फिर भी ये इसके मेंबर हैं, किसके? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर हैं। वो दो कंट्री कौन सी? एक है रवांडा, दूसरी है मोजाम्बिक, दोनों ही अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में कौन से दो कंट्री हैं जो जहाँ पर अंग्रेज़ों का पहले रूल नहीं रहा था, तो वो बताना है मोजाम्बिक और रवांडा, ठीक है, जो जहाँ पर अंग्रेज़ों की कभी कॉलोनी रही नहीं। रवांडा ने रिसेंटली कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया था 2019, मतलब जो लेटेस्ट में ज्वाइन किया है वो है रवांडा 2009 में, ठीक है। तो इसको बनाया गया था, मैंने बताया था 1949 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, ताकि जहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ों ने रूल किया था उनके साथ एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रख सकें, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसको बनाया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को। और ये प्रमोट करते हैं और डेमोक्रेसी, और जो जहाँ से जैसे जैसे अंग्रेज कंट्रीज को छोड़ते गए, डीकोलोनाइजेशन होने लगा, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई जो जहाँ जहाँ पर रूल किया तो उनके साथ अच्छे रिलेशन बने रहे, इसलिए इस ग्रुप को बना दिए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो ध्यान रखना कब बना, 1949 में। अच्छा, कॉमनवेल्थ नेशंस में अब आपको पता है इंडिया का अगर USA में कोई IFS ऑफिसर जाता है तो उसको हम बोलते हैं एम्बेसडर, मगर अगर कॉमनवेल्थ नेशंस में हमारा ऐसे कोई एम्बेसडर वो IFS ऑफिसर जाता है, इंडियन फॉरेन सर्विस वाला, तो उसको एम्बेसडर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हाई कमिश्नर, ठीक है। अगर मान लो ब्रिटेन में हमारा कोई
डिप्लोमेट है, तो ब्रिटेन में उस डिप्लोमेट को हम एम्बेसडर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाई कमिश्नर्स। तो कॉमनवेल्थ नेशंस में जो ये डिप्लोमेट अपॉइंट किए जाते हैं तो उनको हाई कमिश्नर्स बोलते हैं। जैसे हमने पाकिस्तान में अपॉइंट किया तो हाई कमिश्नर, पाकिस्तान का इंडिया में हाई कमिश्नर, मगर यूएसए चाइना इनके साथ इनमें क्या रहते हैं, हमारे एम्बेसडर्स रहते हैं। तो ये 53 कंट्रीज हैं, आप देख सकते हो ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये एशियन कंट्रीज हैं, कैरेबियन अमेरिकन कंट्रीज, यूरोप के कुछ कंट्रीज और पैसिफिक के। ये 53 कंट्रीज मेंबर हैं किसके, कॉमनवेल्थ के। अब बात करते हैं थोड़ा सा, ये न्यूज़ में रहती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी एक मनीला, मनीला में इसकी हेडक्वार्टर है। जापान और यूएसए इसके मेजर डोनर्स हैं, सबसे ज़्यादा पैसा है एशियन डेवलपमेंट में जापान और यूएसए देते हैं। इंडिया को 6% वोटिंग राइट है इसमें, फोर्थ हाईएस्ट, और जापान को सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट है, और जापान पैसा भी सबसे ज़्यादा देता है, और दूसरे नंबर पर है यूएस। ठीक है, और इसके 67 मेंबर्स हैं एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, इसके 67 मेंबर्स हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो गोल है या टारगेट है उसका, या ऑब्जेक्टिव है उसका, ऑब्जेक्टिव है कि एशिया एंड पैसिफिक रीजन में ग्रोथ को प्रमोट करना, और गरीबी को दूर करना, सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करना, और आसपास के देशों में रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। ये सारे गोल्स हैं किसके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, मतलब एशियन रीजन में, मोस्टली एशियन रीजन में डेवलपमेंट को प्रमोट करना, यह है मेन एम। अभी एक रिसेंटली एक न्यूज़ थी, तो ये भी एक जीके का क्वेश्चन है कि एचडीएफसी ग्रुप है उसने टाटा ग्रुप को ओवरटेक कर लिया और इंडिया का लार्जेस्ट ग्रुप बन गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के फॉर्म में, मतलब मार्केट कैप के रूप में। ठीक है, तो एचडीएफसी ग्रुप हैज़ ओवरटेकन 151 ईयर्स ओल्ड टाटा ग्रुप टू इमर्ज इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल बाई वे ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के रूप में अभी नंबर वन जो ग्रुप बन गया है वो बन गया है एचडीएफसी। एचडीएफसी के साथ पांच ग्रुप हो रहे हैं। ठीक है, तो इसने ओवरटेक कर लिया किसको, टाटा ग्रुप को। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ग्रुप हैं। तो एचडीएफसी ग्रुप ओवरटेक्स टाटा ग्रुप एज इंडिया लार्जेस्ट। तो यहाँ पर पाँच लिस्टेड कंपनी एचडीएफसी ग्रुप में कौन सी हैं, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट और ग्रुप फाइनेंस, जिनकी कुल जो क्या कहते हैं असेट है वो कितनी है, 11.66 लाख करोड़। ठीक है, या इनकी इतनी मार्केट कैप है 11.66 लाख करोड़, जबकि टाटा ग्रुप की 29 कंपनीज की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 11.64 लाख करोड़। ठीक है, तो इनका ज़्यादा है एचडीएफसी का, और जो टाटा ग्रुप है इसका 2000 करोड़ कम है एचडीएफसी ग्रुप से मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो बस इतना ध्यान रखना है, इतनी सारी चीज़ें तो शायद नहीं आएंगी छोटे एग्जाम्स में, बट यह ध्यान रखना मार्केट कैपिटलाइजेशन के रूप में एचडीएफसी नंबर वन बन चुकी है अभी। अभी ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इंडिया ने किस देश से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है यूएस के प्रतिबंध लगाने पर, तो आपको बताना है इंडिया ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है। तो ठीक है, आपको पता है पिछले साल यूएसए ने ईरान पर दोबारा से सेंक्शंस लगा दिए थे, और 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसको क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, अलग हो गया था यूएसए और ईरान पर कई सारे इन्होंने सेंक्शंस लगा दिए। और फिर इन्होंने यूएसए ने क्या किया था, कुछ देशों को छूट दी थी कि आप 5-6 महीने और ईरान से खरीद सकते हो, उसके बाद बंद करना पड़ेगा। तो इनका जो टाइम था वो ख़त्म हो गया, अब इंडिया को बोल दिया कि भाई अब आपको परमानेंटली ख़त्म करना पड़ेगा। तो इंडिया ने अब इंपोर्ट करना बंद कर दिया ऑयल यूएस से, ईरान से। तो ध्यान रखना ईरान से अभी बंद कर दिया, और ईरान का इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कस्टमर है। ठीक है, मतलब पहले पे चाइना खरीदता है, दूसरे पे ईरान से कौन ले रहा है तेल, इंडिया ले रहा है। अब इंडिया से, ईरान से तेल लेना इंडिया ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। किसके प्रेशर में आके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेशर में आके। अच्छा, अभी रिसेंटली OECD ने मतलब फोरकास्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी 2020 तक 7.5% ग्रो करेगी। ठीक है, OECD ने क्या बोला है कि इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो 7.5% बाई 2020 अमिड स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ। मतलब ग्लोबली तो ग्रोथ स्लो रहेगी, फिर भी इस कंडीशन में भी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 7.5% से ग्रो करेगी बाई 2020। OECD के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि OECD का आया है। तो OECD के फुल फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार OECD की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कब इस्टेब्लिश किया ये भी पूछा जाता है, कई बार हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कि OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में। और इसके मेंबर है 35 मेंबर्स हैं इसके,
और लातविया ने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है जुलाई 2016 में। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, ठीक है। U20 मेयर समिट, अभी U20 अर्बन 20 मेयर्स की समिट हुई है टोक्यो जापान में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्बन 20 की समिट कहाँ पर हुई है पूछी जा सकती है, तो ये हुई है जापान में। तो अर्बन 20 एक इनिशिएटिव था जो कि 2017 में स्टार्ट किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अर्बन 20 को 2017 में स्टार्ट किया गया था, किस किस ने स्टार्ट किया था, किस किस की लीडरशिप में, मेयर्स ऑफ ब्यूनस एयर्स एंड मेयर ऑफ पेरिस, इन मेयर्स ने मिलकर इसको इनिशिएटिव को स्टार्ट करवाया था। और 2019 में G20 की समिट होने वाली है, कहाँ पर, जापान में, और उस G20 की समिट से पहले होती है U20 मेयर्स की समिट। तो ये सेकंड समिट है, अभी जो होने वाली है सेकंड समिट है U20 मेयर्स की। बात करें U20 की, तो U20 में 25 ग्लोबल सिटीज आते हैं, 25 ग्लोबल सिटीज आते हैं U20 में, जिसमें इंडिया का एक भी सिटी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो ये 25 सिटी हैं U20 में जो आते हैं, तो देख लेना, इंडिया का नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चाइना ने अभी एक पहला मल्टी रोल JF-17 फाइटर जेट हैंड ओवर किया है पाकिस्तान को। तो ये भी पूछा जा सकता है कि चाइना ने कौन सा फाइटर जेट हैंड ओवर किया है पाकिस्तान को, तो मल्टी रोल JF-17, मल्टी रोल JF-17, ठीक है, पाकिस्तान को दिया है चाइना ने। तो चाइना ने एक रिसेंटली एक मिसाइल भी टेस्ट की है, इसका नाम है शहीन सेकंड। पाक सक्सेसफुली टेस्ट फायर बैलिस्टिक मिसाइल शहीन सेकंड कैपेबल ऑफ हिटिंग इंडिया। जो इन्होंने ये शहीन सेकंड मिसाइल टेस्ट की है, इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये इंडिया को भी हिट कर सकती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो शहीन सेकंड एक बैलिस्टिक मिसाइल है पाकिस्तान की, ठीक है, और ये सुपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब एक बार यहाँ जैसे टारगेट सेट कर दिया और यहाँ से इसको लॉन्च कर दिया, तो ये सीधी इसी पाथ से जाएगी। अगर मान लो यहाँ से टारगेट हट जाए, सबूत यहाँ किसी को हिट करना है और ये टारगेट हट जाए, तब भी ये मिसाइल इधर ही जाएगी। तो ये ऐसी मिसाइल होती हैं बैलिस्टिक। ओके, अगला, ये सभी प्रकार के वारहेड्स ले जा सकती है, मतलब जो वारहेड्स का मतलब है जो मटेरियल होता है एक्सप्लोसिव मटेरियल, उनको ले जा सकती है, जैसे कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव मटेरियल को ले जा सकती है और न्यूक्लियर मटेरियल को भी ले जा सकती है। 1500 से 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है हिटिंग कैपेसिटी, जिसमें बड़े बड़े भारत के कई सारे सिटीज़ को ये क्या कर सकती है, हिट कर सकती है, अगर वहाँ से इसको ये चला दें तो। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, शहीन सेकंड पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली टेस्ट किया, तो शहीन सेकंड क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है पाकिस्तान की। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।